नेक्स्ट है यूनिट नंबर 1C, नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। तो उसका पहला टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है अभी, लिखिए एक बार, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या लिखवा मैंने, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लीजिए, देखिए ये कोई चार्ज है भाई, प्लस का चार्ज है कोई, ये इसका कोई फील्ड है, ठीक है। आपको एक चार्ज लेके आना है, कहाँ से भाई, इन्फिनिटी से। किस चार्ज को लेके आना है, टेस्ट चार्ज को। कितना वैल्यू है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये सर नो। कहाँ तक लेके आना है, जहाँ पे आप निकालना चाहते हो कि इस पॉइंट पे कितना वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी, कर लोगे। तो उसको चार्ज को लेके आना है इस पॉइंट तक। अब चार्ज कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। तो इस दौरान आपको कितना वर्क करना पड़ा भाई, क्या वर्क करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में काम करें हम लोग किसी के। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सर नो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो उसको, अरे आप उसको ऐसे लेके आ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क करना पड़ेगा भाई उसके लिए, कर लोगे। इस वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया, तो सिंपल लिखेंगे इसको हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या बनता है भाई, देख सकता हूँ, वर्क बाई चार्ज में, वर्क बाई चार्ज। कि एक आपको काम निकालना है, किसको करने के लिए, किसी चार्ज को लेके आने के लिए भी। समझ में आ रहा है अभी वाइज, तो इसको वी से लिखते हैं अभी। वर्क कहाँ से कहाँ तक करना है अभी, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जहाँ पे आपको लेके आना है, यस और नो। और किसको लेके आना है, टेस्ट चार्ज को। इसका वैल्यू कितना है, यूनिट पॉजिटिव भाई, यस और नो। इसको बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं हम लोग ये, जिसका जहाँ पर लेके आना है उस पॉइंट का निकला ये वी ए, इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट भी, सही है। किसको लेके आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेके आना है, ए पॉइंट तक। तो उस दौरान आपको कितना वर्क करना पड़ा किसी के फील्ड के अंदर भी, सही है कि नहीं, इट इज़ कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्ज कहाँ पहुँच चुका है अभी, यहाँ पर आ चुका है। अब इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आना है, यस और नो। अब दोनों पॉइंट फिक्स हो गए भाई, ए भी बी भी। पहले तो एक पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी था भाई, पता नहीं कहाँ पे होगा, सही है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बुक में उल्टा दे रखा है, हम उसको सिक्वेंसली करेंगे अभी। पहले चार्ज इन्फिनिटी पे था, कहाँ पे ले आए, ए पे पहुँच गया ना अभी। अब ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। लिख लीजिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे काम सारा किसमें करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही करना है भाई, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले पॉइंट में, इसमें पॉइंट में क्या डिफरेंस है अभी, क्लास
पहले का पॉइंट कहाँ से लेके आना था मेरे को? इन्फिनिटी से लेके आना था। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आना, दोनों पता मेरे को भी। कर लोगे भाई? अब एक चीज़ और भी है डेफिनेशन में, देखो क्या डेफिनेशन में क्या रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स भी। यस और नो, ये भी लिख दो। क्या लिखोगे? इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे डेफिनेशन के हिसाब से भी? वी कैसे लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है? ए बी के बीच का। कहाँ से कहाँ तक लेके आना चार्ज को भी? ए से बी तक लेके जाना है। किस चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भाई। यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो किसका पॉइंट निकल गया है डिफरेंस? इन दोनों पॉइंटों का भी, बीच का। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको भी लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए बी, वी बी माइनस ए वी ए। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी ए एंड वी बी भी। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी। कहाँ से कहाँ तक लिखा जाना? ए से बी बाई क्यू। कैसे लिखते हैं? वी बी माइनस ए वी ए। इसको लिख सकते हैं वी ए बी का बीच का भी। इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी का बीच का, वी बी माइनस ए वी ए। कर लोगे? समझ में आ रहा है भाई? अब इसकी यूनिट क्या होंगी? अब कर दे इसको, यूनिट क्या होंगी इसकी? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मान लीजिए क्या होती है भाई? वोल्ट होती है अभी, वोल्ट। इसको वी से लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ही बोलते हैं क्लास, सुना भाई? तो वोल्टेज कर लोगे? तो आपको अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना पड़ जाए अभी, 1 वोल्ट को कैसे करोगे? फार्मूला क्या बना था? वी का डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू नोट मान लो। कर लोगे? अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो कैसे बोलोगे? वर्क कितना हो? 1 जूल। चार्ज कितना हो? 1 कॉलम में। अगर एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आना है, आपको कितना वर्क करना पड़ा? 1 जूल वर्क करना पड़ा। तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का। सही है कि नहीं है? लिखो एक बार इसको, लिखिए 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इन विच 1 जूल वर्क डन, इन विच 1 जूल वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ वन कॉलम। ए कॉलम चार्ज को कैरी करने के लिए अगर आपने वर्क 1 जूल किया है, तो जून के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 1 वोल्ट है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर नो, ये था आपका 1 वोल्ट क्या होता है अभी। कर लोगे? इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट करते हैं अभी। 2 पॉइंट हो गए, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस क्या है अभी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अभी। इसको जितने भी पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से लिखते हैं हम लोग मोस्टली। इसको पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। कर लोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अभी? एक बार लिखो डेफिनेशन, लिखिए उसके बाद समझ जाओगे डेफिनेशन क्या है अभी। इतना हो गया अभी क्लास, लिखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग ए चार्ज। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम
इन्फिनिटी, सॉरी क्या लिखा था मैंने, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिफरेंस क्या है भाई डेफिनेशन में? पोटेंशियल के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज होना चाहिए वन कॉलम भाई, यस और नो? एनर्जी के लिए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इस बात से भी कि वन कॉलम है कि टू है कि थ्री है कि फाइव है, भी सही है कि नहीं है भी, बस चार्ज को लेके है ना किसी भी अमाउंट का हो चाहिए। कहाँ से कहाँ तक भाई? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, जो वर्क करना पड़ रहा है वही क्या है? एनर्जी है भी। तीनों समझ में आया डिफरेंस आपको? तीनों में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल क्या है? चार्ज को कहाँ से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है भाई। किस चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। डिफरेंस क्या है? उसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। एनर्जी क्या है? कोई भी चार्ज हो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या है? एनर्जी है अभी। समझ में आ रहा है अभी? इतना भी आपका टॉपिक व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम क्लास? यस और नो? वर्क को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं भाई, सही है कि नहीं है? तो ये था भी टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इन दो टॉपिक को आगे और एडवांस में करेंगे थोड़ा सा, तो टॉपिक कर लेंगे इसको, थोड़े बहुत और हो जाएंगे टॉपिक क्या है। अभी हम एक पॉइंट करते हैं अच्छा सा, अभी इसका लिख लीजिए, इसका बनाते हैं फार्मूला भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी, इसका फार्मूला निकाल लेके आना है मेरे को। जिस तरह मैंने एफ का फार्मूला बनाया था, याद है आपका फार्मूला? आपको ई का बनाया था, उस तरह से वी का बनाओ भाई, ठीक है? कैसे करेंगे बताइएगा। ये कोई चार्ज है, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट ओ। इस पर मैंने चार्ज रखा प्लस क्यू, मैं इसका फील्ड यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये शेयर है भाई। और आपको किसी चार्ज को लेके आना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, एनी पॉइंट, कुछ भी मान लो, इसको सी मान लें, सी पॉइंट अभी कर लोगे। किस डिस्टेंस पे है ये? आर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे निकालना आपको कि कितना वैल्यू होगा। क्या 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 था डेफिनेशन आपका? चार्ज को किस चार्ज को लेके आना है भाई? इन्फिनिटी से प्लस वन कॉलम चार्ज को कहाँ तक लेके आना है? सी तक लेके आना है, यस और नो? तो इस दौरान कितना वर्क करना पड़ा आपको, ये निकालना आपको। बाय डेफिनेशन यही है, यस और नो? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा आर भी। अब मैं एक चार्ज को पकड़ के लेके आ रहा हूँ, वन कॉलम चार्ज को भी, तो ऐसे लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में कोई पॉइंट आएगा भाई, ये आ सकता है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, कितना है? x डिस्टेंस कर लोगे भाई। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे और लेके गए इसको भी, तो b पॉइंट आ गया होगा, यस और नो? इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? थोड़ा सा मान लेते हैं, कितना है भाई? dx। मैंने ऐसा क्यों किया? हमने वर्क निकालना है, मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट का वर्क निकाल लेते हैं और जोड़ देंगे उनको, या एक का ही निकाल लें और पूरे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो। तो आपको बताना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का वर्क कितना होगा। वर्क क्या होता भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है, फोर्स निकालो इंटू क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट, वर्क आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायग्राम बनाइएगा, देख लीजिए, वी हैव प्लस क्यू चार्ज, वी हैव प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ, वी हैव प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ एंड वी वांट टू फाइंड आउट, एंड वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, we want to find out electric potential at point C. C पे निकालना है,
कर लोगे? सो वी कैरी ए, सो वी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो वी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी, इन्फिनिटी टू पॉइंट सी, यहाँ से यहाँ तक कैरी करना चार्ज को भी, कर लोगे? जब इसको लेके आ रहे हैं रास्ते में को पॉइंट ए आ गया होगा भी, तो ये पे चेक करें अभी कितना वैल्यू आएगा। देख लीजिए इलेक्ट्रिक दो तरीके भी करने के क्लास, मैं फोर्थ से करवा रहा हूँ, बुक में ई से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सी, सॉरी एट ए, फोर्स का वैल्यू कितना होता है कुछ याद है? 1/4πε0 क्यू, ये रहा क्यू नोट, यहां पे पहुंच चुका है, डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर ए पे, सही है कि नहीं है? कर लोगे? अगर आपको ई निकालना हो तो भाई इसका ई एफ बाई क्यू नोट लिख दूं, यस और नो? कितना वैल्यू? 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर हुई, ये बात ऑब्वियस है भाई, क्यू नोट का वैल्यू 1 है विक्रास, क्यू नोट का वैल्यू कितना है 1, मैं लिख सकता हूँ दोनों बराबर ही होंगे फिर तो, ये भी 1 है ये भी 1 है, यहाँ तो 1 है नहीं, क्यू नोट है नहीं, यस और नो? तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू कितना आ गया एफ बाई क्यू नोट, कर पाओगे भाई? देखिए मैं ये लिख सकता हूँ आपको एफ बर ई कितना वैल्यू होता है भाई एफ बाई क्यू नोट, ये वैल्यू होती है ना, आपको पता है क्यू नोट कितना है प्लस वन कॉलम, अभी मैं लिख सकता हूँ ई और एफ बराबर अभी, यस सर नो? या तो ई लिखो या आपकी एफ लिखो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमको कर लोगे? अब आपने थोड़ा सा चले हम लोग आगे भी डी एक्स चले हैं, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा, लिख लीजिए डी डब्ल्यू क्या है भाई, इज द स्मॉल वर्क, स्मॉल वर्क फॉर डी एक्स भी, डी एक्स क्या है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी क्लास, सही है कि नहीं है? वर्क का फॉर्मूला पता आप लोगों को, वर्क क्या होता क्लास? डब्ल्यू बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है कि नहीं है अभी? डॉट में आता भाई, क्योंकि हम सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ाया जा रहा है आपको अभी, ओपन करें तो क्या आंसर आएगा भाई? एफ एस कोस थीटा होता अभी डॉट का भी, याद है कि नहीं है बता दो? भूल भाल गए होंगे। कितनी वैल्यू आएगी डी एक्स डी डब्ल्यू की, लिख सकता हूँ एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर भी, क्या सर नो? और मैं एफ की जगह पे ई ले सकता हूँ क्या, क्योंकि क्यू नोट की वैल्यू कितनी है 1 है भाई, यस सर नो? डी डब्ल्यू बराबर ले सकता हूँ ऐसे भी ई डॉट डी एक्स भी, बता दो, यस सर नो? अब मेरे को बताइएगा मेरे को कि फोर्स में या ई में और डी एक्स में कितना एंगल है भाई, ये रब कर दूं, कौन सा एफ निकलना आता है, एफ दो ही हो गया, एफ ई क्या होता है भाई, क्यू नोट होता है, वैल्यू होगी ई की, यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, क्यू नोट की वैल्यू कितनी है 1, तो ई इक्वल टू एफ, या तो यहाँ पे वन कर दो, वन करके देखो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा देखना, यानी इक्वल टू क्या हो गया एफ, या फोर्स लिखूँ या ई लिखूँ की बात है यहाँ पे, कर लोगे? ये हो गया अभी इतना क्लास, ये रब कर दे नीचे वाला, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है अभी, ए पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इसको तो कम आ रहा है अभी, दोनों पॉजिटिव हैं, यस और नो? और आप लेके उसको ऐसे आ रहे हो,
फोर्स लग रहा है ऐसे भाई, और लेके आ रहे हो ऐसे भी। कितना एंगल बना रहे हैं? 180 का बना रहे हैं। यस सर ना, तो क्या लिखोगे डी डब्ल्यू को हम लोग यहाँ से? ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। क्या मैंने सही लिखा है? कॉस 180 कितना होता है? माइनस वन होता है अभी। यस सर ना, डी डब्ल्यू कितना है क्या? माइनस ई डी एक्स भी। यस सर ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, कितना वैल्यू था भाई? 1/4πε0qx2 dx। क्या बात सही है? हमें निकालना पूरा वर्क क्लास कहाँ से कहाँ तक का भी। इतना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला पकड़ दें। हमें निकालना है टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कर दूं भाई इस तरह के समोल पार्ट बनेंगे इसके, dx 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 जैसे। तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन किसको भाई? 1/4πε0qx2 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूं भाई? कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है इसको? इन्फिनिटी डिस्टेंस है कि पॉइंट है? देख लो, इन्फिनिटी डिस्टेंस है भाई, पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी क्या है? डिस्टेंस। इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके जाना है? पॉइंट नहीं, डिस्टेंस। कितना? आर तक लेके जाना भाई। आर पे क्या है? सी पॉइंट तो है। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? आर पे क्या है? सी, आर तक लेके जाना भाई। यहाँ पे यार क्या जाता है? ख़त्म हो जाता है भी यार। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे लिखोगे? इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके जाना है? आर तक भी, डिस्टेंस से डिस्टेंस तक भी। आर पे क्या है? पॉइंट सी तो है। यस सर ना, तो सॉल्व करो इसको भी, रब कर दें इस डायग्राम को भी। हो गया ये वाला। W इज इक्वल टू क्लास बताओ भाई, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, 1/4πε0q। ये है कांस्टेंट है, कुछ और भी है? इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक भाई? आर तक। 1/x2 को ले सकता हूँ -2 dx। ऊपर ले जाते हैं पावर को। यस सर नो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन? एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, याद है कि नहीं है? तो कैसे बनाओगे इसको W को? 1/4πε0q रख दूँ क्यू। एक्स माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन कर सकता हूँ इन्फिनिटी से लेके आर तक भी। फार्मूला बनता भाई एक्स की पावर एन का, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, सही है कि नहीं है? माइनस टू, एक माइनस बार भी था भाई, ये वैल्यू माइनस की थी सारी वैल्यू। चेक करो एक बार W माइनस का है भाई, यहाँ पर माइनस आएगा। यस सर नो, एक बार माइनस है, एक माइनस ये हो गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन पे, माइनस माइनस बाहर निकाल लूँ क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। W बराबर है क्या बना? q/4πε0। ये कितना हो गया भाई? x की पावर माइनस टू प्लस वन, एक्स की पावर माइनस वन हो गया अभी। यस सर नो, नीचे ले जाऊँ प्लस की हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक है? इन्फिनिटी से लेके आर तक। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो। पुटिंग द लिमिट्स भी क्लास, कैसे पुट करोगे? W बराबर है 1/4πε0q। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखोगे? 1/r माइनस 1/∞ भी, सही है? पता होना चाहिए अभी क्लास आपको कि 1/∞ जीरो होता है। अभी कितना होता है? जीरो, सही है? तो W कितना आया? q/4πε0r भी। क्या मैंने सही लिखा?
यस सर नो, ये डब्ल्यू आ गया। अभी हमको निकालना क्या है, हमको तो पोटेंशियल चाहिए। ये वाला रब कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? फार्मूला क्या बनता है? डब्ल्यू बाई क्यू नोट। यस सर नो, डब्ल्यू बाई क्यू नोट। आपको पता है क्यू नोट का वैल्यू कितना है क्लास? प्लस वन कॉलम पे। यस सर नो, तो लिख सकता हूँ वी बराबर डब्ल्यू। ये वन हो गया। यस सर नो, तो कितना वैल्यू आया? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी। तो मेरा वी का आंसर हुआ भाई 1/4πε₀Q/R। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। अगर आपको याद हो पहले मैंने फोर्स किया था, फोर्स में कितना आंसर था? 1/4πε₀Q1Q2R2। यस सर नो, फिर मैंने किया इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/4πε₀Q/R2। चाहे चार्ज कम हो गया था वहाँ पे, यहाँ पे पावर कम होगी भी हार की। सही है कि नहीं है? ये था वैल्यू आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, पोटेंशियल हुआ था अभी, वी इज इक्वल टू 1/4πε₀Q/R। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर था इज इक्वल टू 1/4πε₀Q/R2। अगर मैं ग्राफ बनाऊं दोनों के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ई और वी का भी, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो क्या होना चाहिए? करो होएगा, क्योंकि आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वैल्यू आएंगे भी। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? करो फॉर्मेशन सेव करेगा भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका अकॉर्डिंग ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी। बट किसको दिखाता है पोटेंशियल भी? किसको दिखाता है? स्फेरिकल सिमेट्री को दिखाता है। तो इसका ग्राफ भी क्या आएगा? करो ही आएगा। ठीक है, ये ई का ग्राफ बन रहा है, ये कौन सा ग्राफ है? वी का ग्राफ। बस ये रिकॉर्डिंग करा था हमको भी, हो जाएगा भी, कर पाओगे? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इतना का हो गया अभी, रब कर दें। इधर लिखा है ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री भी लिखा है। इसका आंसर क्यों हो रहा है ऐसा? लिखो इसको, इट इज़ ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। दोनों में ही आंसर क्या आने हैं? स्फेयर के हिसाब से आने हैं भाई। इट इज़ ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। सही है, दोनों में चार्ज, दोनों में फील्ड हैं, पॉइंट चार्ज के फील्ड क्या बनाएंगे? स्फेयर बनाएंगे अभी। सही है कि नहीं है अभी? कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रब कर दें इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। याद है कि नहीं है? क्योंकि हमारे जो आंसर हैं मोस्टली दो के लिए होते हैं भाई। कर लोगे? अगर मेरे पास एन चार्ज हो तो कैसे करोगे? अभी मोर देन टू चार्ज हो तो कैसे करोगे? तरीका एक ही है भाई, इंडिविजुअल निकाल लेते हैं और जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? मेरे पास एन चार्ज होंगे, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन वे Qn। यहाँ पे निकालना आपको कि नेट पोटेंशियल कितना है अभी। तरीका एक ही है भाई क्लास, आपको चार्ज पकड़ना है कहाँ से? इन्फिनिटी से, और उस पॉइंट तक लेके आना जहाँ पे आपको निकालना है। ये पॉइंट किसके अंडर होगा? किन्हीं के फील्ड के अंडर होगा। फील्ड किसके अब की बार? तो एन के फील्ड है भाई। पहले शेयर एक ही था, अब शेयर पाँच हो तो भाई और वर्क करना पड़ेगा आपको उसको लेके जाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अब फील्ड किसके हैं? ज़्यादा फील्ड हो गए भाई। अब क्या करोगे? आप इंडिविजुअल निकालोगे, इसकी वजह से कितना काम करना पड़ा, इसकी वजह से हो सकता है कि ये शेयर बूढ़ा हो, ये स्ट्रॉन्ग शेयर हो भाई इससे, तो हर एक का फील्ड क्या होगा? अलग होगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको वैल्यू? तो हर एक के लिए वर्क की वैल्यू क्या होगी? अलग हो सकती है। लेकिन क्या करना पड़ा नेट के लिए? जोड़ना ही पड़ेगा अभी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना ले लेते हैं? R1। सेम डिस्टेंस यहाँ पे कितना?
आर टू, इसके अकॉर्डिंग कितना भाई, आर थ्री एंड सोन, इट इज आर एन वे। देख लीजिए, वी हैव एन पॉइंट चार्जेज, वी हैव एन पॉइंट चार्जेज क्यू वन, वी हैव एन पॉइंट चार्जेज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू एन, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू एन, ओके, एंड ओ इज द पॉइंट, एंड ओ इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, ओ इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई बात भाई? अब ये देखिए, फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी निकाल सकते हो क्या? देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से कर लें पहले, क्यू वन, ड्यू टू क्यू वन, इसको वी वन ले लूँ भाई, तो कितना आंसर आएगा? अभी हमारा पास आंसर है 1/4 πε0 क्यू वन बाई आर वन, भी फार्मूला है भी मेरे पास, कर लोगे? इसी तरीके से क्यू टू, वी टू कितना होगा भाई, सेकंड की वजह से निकाल लें, 1/4 πε0 क्यू टू बाई आर टू। इसी तरीके से वी एन कितना होगा भी क्लास, 1/4 πε0 क्यू एन बाई आर एन। सही है, हम लोगों ने इंडिविजुअल निकाल लिया, अभी क्या करना है, जोड़ देना। हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बातें नहीं करनी। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ क्लास, देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, सिंपली ऐड कर सकते हैं, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस ऑन भाई, हो गया। अब हो गया इतना भाई, इसको पुटिंग वैल्यू पुट करो भाई क्लास हमारी, V इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 का वैल्यू 1/4 πε0 Q1 by R1 प्लस 1/4 πε0 Q2 by R2, कहाँ तक जाना है, 1/4 πε0 Qn by Rn। समझ में आ रहा है? जोड़ने का तरीका क्या क्लास, बाय यूजिंग समेशन भाई, अच्छा रहता है। क्या लिखोगे, समेशन, अगर इसको जोड़ना हो भाई इंटीग्रेशन जोड़ सकते हो क्या इसको, आप लोग कर रहे हो इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कर देना है मेरे को, वन से लेके एन तक जाना है, लिमिट बन जाएंगे उसकी भी, कर लोगे तो क्या बनेगा बताओ भाई, जो कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही उसको ऐसे लिख दीजिए, ये बदल रहा है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, क्या लिखें इसको, क्यू आई लिख दूँ, इसके हिसाब से बदल रहा है भाई, क्या लिखें इसको, आर आई, आई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वन से लेके एन तक, ये बात लिखनी आ गई तुम लोगों को, कर लोगे? ये था भी आपका ड्यू टू एन चार्ज, भी पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्ज कंप्लीट भी।